सीमा पर दुश्मन से लोहा लेने वाले भारतीय सेना जितना प्यार अपने हथियारों से करती है उतना ही लगाव उन्हें फूलों से भी है। इसकी एक उदाहरण रविवार को जलंधर छावनी के जवाहर गार्डन में देखने को मिली, जहां जलंधर कैंट कंटोनमेंट बोर्ड और स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से फ्लावर शो का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी दूर दूर से लोग इस फ्लावर शो को देखने के लिए पहुंचे। चारों तरफ ही फूल ही फूल का नजारा। जलंधर छावनी के जवाहर गार्डन का यहाँ स्टेशन हेडक्वार्टर और कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा था। 75वीं बार मनाए गए इस फ्लावर शो को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। चारों तरफ फूलों को देख लोग खासे खुश नजर आए। इस फ्लावर शो का उद्घाटन मेजर जनरल दीपक डाडा ने किया। इस मौके पर लोग यहां अलग अलग फूलों को देखकर काफी खुश नजर आए। वहीं उनका कहना है कि इस तरह के शो बार बार होने चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अभी मतलब एंट्रेंस हुई है मेरी, तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स फ्लावर देख के, तो वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा कर दिया, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, आगे दो चार हमें पता थे फ्लावर्स, अब और भी बहुत सारे नए देखने को मिले हैं। एनुअल फ्लावर शो यहाँ पर जवाहर गार्डन में हो रहा है, ये हर साल दर साल यहाँ पर होता है, और ये एक बहुत अच्छा इवेंट है जिसको कि आप लोग जलंधर की सिटी के साथ में एसोसिएट कर सकते हो। कैसा भी मौसम हो, लेकिन ये इवेंट जो है वो चलता रहेगा। और फ्लावर्स की विशेषता ये है कि आप जब आप इनको देखो गार्डन में बैठ करके, लॉन में बैठ करके, तो आपको एक दिल को बहुत अच्छा सुकून देते हैं। तो ये एक, इसके लिए मैं जलंधर कैंटोनमेंट बोर्ड को स्पेशली शाबाशी देता हूँ कि ये इसको इतने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ पर कि जजेस जो हैं इस कॉम्पिटिशन को जज करने के लिए बॉम्बे तक से आए हुए हैं और एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। और आपको मालूम है कि वेराइटीज़ कितने वेराइटीज़ में हो रहा है यहाँ पर। इंडिविजुअल के घरों के पॉट्स आए हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस में गए हैं, किचन गार्डन्स में गए हैं, रेजिडेंस में गए हैं, टेरेस गार्डन्स में गए हैं। तो वैरायटी और फूलों की वैरायटी अगर आप देखो, तो वहाँ पर फूलों के अलावा कैक्टस, कैक्टाई कैटेगरी जो है वो एक नई चीज़ मैंने यहाँ पर आकर के देखी, कहीं और नहीं देखी थी। बोनसाई की कैटेगरी देखी।